भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 12वां अध्याय, ध्रुव महाराज का वैकुंठ गमन। कुबेर ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं, फिर से एक और लेक्चर। अभी अभी स्वयंभू मनु का लेक्चर समाप्त हुआ था, कुबेर जी एक और लेक्चर दे रहे हैं। आजकल किसी खास तौर पे किसी यंग व्यक्ति को कुछ समझाने लग जाओ, क्यों लेक्चर पिला रहे हो पंडित जी? लेक्चर अच्छा नहीं समझ में आता। हाँ, हर कोई लेक्चर मत दो, क्योंकि इतनी पेशेंस नहीं आदमी के अंदर कि वो सुन सके। पुराने ज़माने में यही सारे हमारे तो सारे ग्रंथ ही ऐसी सिचुएशन में, हम बताते हैं ना कि परीक्षित महाराज भी ऐसी कठिन सिचुएशन में थे जब उन्होंने लेक्चर सुना 7 दिन तक, 7 रात तक। और अर्जुन ने भी तभी लेक्चर सुना, ध्रुव महाराज भी लेक्चर पे लेक्चर। अब दूसरा लेक्चर का छठा श्लोक। भजस्व भयनीयांघ्रिमय भाव भविच्छिदम युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्यात्ममायया। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही संसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। देखिए क्या कल्चर था। दुश्मन है एक तरह से, झगड़ा हुआ है बहुत ज़बरदस्त, मार काट हुई है बहुत बड़ी, कुबेर के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, फिर भी वो फॉरगिव कर रहे हैं। उसके लिए प्रे कर रहे थे पिछले श्लोकों में हमने सुना, उसके अच्छे भगवत भक्ति के लिए आज उसको एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि वो संसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो क्या होता है? जब जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तब हम प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और ये हमारे डिसीजन मेकिंग को, थिंकिंग को प्रभावित करते हैं। इसी के कारण हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रांग भक्ति करते हैं तो प्रकृति के ये गुण हमें प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए हमसे कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो हमारे अंदर कर्म का बंधन क्रिएट करे। हमारे अंदर इच्छाएं तो आती रहती हैं पुरानी, क्योंकि जन्मों से हम लोग संसार में हैं तो बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई अंदर आती हैं, लेकिन भक्त जो होता है उन इच्छाओं को दबा देता है, वो उसको दबा पाता है, बिकॉज ऑफ उसकी जो स्पिरिचुअल उसकी पावर है वो ऐसी डिज़ायर्स को दबाता रहता है ना। हम सब ने इसको फील किया होगा कि हमारे अंदर इच्छा तो आ रही है लेकिन हम उसको सप्रेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिवोशनल पावर। इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने आप को भक्ति में प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो वास्तव में हम लोग इन अनडिजायर्ड डिजायर्स से, अनक्वालिफाइड डिजायर से हमें छुटकारा मिलेगा। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। श्री भगवान ही अकल्पनीय शक्ति से इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। जब भगवान जब शक्ति इस संसार में कुछ कार्य भी करते हैं अपनी भौतिक शक्ति से, फिर भी वो इन चीज़ों में लिप्त थोड़ी हो जाते हैं। ये तो भगवान के पास ये पावर है, इसलिए भक्तों के पास ये पावर आ जाती है। कौन सी पावर? पावर ये कि संसार में रहते हुए भी वो संसार से प्रभावित नहीं होते। संसार में रहते रहते जैसे कि श्रील प्रभुपाद वो विदेश में गए, मायावादियों के बीच में, मलेच्छों के बीच में, हाँ भौतिकतावादी लोगों के बीच में, उन्हीं के बीच में जाके रहे, एकदम शराबियों के बीच में। कमरे में बदबू हो गई थी एक बार, हाँ कई बार वो शराब पी के कमरे में बैठते थे। पता, सोचिए लेक्चर दे रहे हैं शराबी कमरे में बैठे हुए और बदबू आ रही है ना। एक बार एक बड़ा अजीब सा आदमी आया, अजीब सी दाढ़ी, और एकदम से उसने दरवाज़ा खोला, धाक, और सब लोग उसको देख रहे हैं कौन क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा। प्रभुपाद की तरफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो सब डर रहे थे कि अब क्या करने वाले, क्या कर देगा ये। प्रभुपाद के पीछे टॉयलेट था, उस टॉयलेट में घुस गया, थोड़ी देर बाद आया टॉयलेट को एकदम साफ करके, साफ करने के लिए आया था। तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते थे भयंकर, अजीब अजीब से। तो सोचिए उन लोगों के बीच में रहते हुए प्रभुपाद ने ये सारा प्रवचन दिए, प्रचार किया, और उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। हाँ, कबड्डी कबड्डी खेलने गए थे, सारों को यहाँ ले आए, सांप को खींच के इधर ले आए, सोचिए। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं
उनके अंदर भगवान की शक्ति आ जाती है कि वो, इसलिए भगवान कहते हैं देवी येषु गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते, कि जो मेरी शरण में आता है उसको ये माया अटैक नहीं कर पाती है, वो माया से बच जाता है यदि वो मेरी शरण में आता है तो, और अदरवाइज ये माया दुरत्या है, नोबडी कैन कॉन्कर दिस। तो इसलिए हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, नहीं तो हमसे हमेशा डेफिनेटली पाप कर्म होंगे। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि तुमसे कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, लेकिन तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम्हें भगवान की भक्ति करी है तो क्या होगा, वो आपको, आपके हृदय को संतोष देगी, ये बदले की भावना को कम करेगी, काम को, क्रोध को कम करेगी। तो यहाँ पर पिछले श्लोक के आगे से आगे विशेष रूप से उल्लेख है कि ध्रुव महाराज को भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति कभी निर्गुण ब्रह्म की नहीं हो सकती है। जब जब वर्ड आता है भक्ति, तो भक्ति मीन्स, भक्ति मीन्स श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो भी है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की पूजा, उसका श्रवण, उसका कीर्तन किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का, वो निर्विशेष नहीं है, वो विशेष है। तो भक्ति वर्ड ही इसका मतलब ये है, भक्ति किसी अदृश्य अकल्पनीय निर्विकार निराकार की भक्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार से बता रहे हैं गुरुपाद। वृणी ही कामम निपयन मनोगतम मतस्त्वा मोत्तान पदे अविशंकित वरम वरह वर अर्ह अंबुज नाभ पादयो अनंतरम त्वाम वयम अंगशुष्म। हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाभ श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो। ये बता रहे कि तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनी है हमने कि तुमने बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, कमलनाभ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुम लगे ही रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो, अतः बिना हिचक के जो वर मांगना चाहो मांग लो। ये तो हद हो गई, हमारे घर में आया, हमारे घर वालों को मार दिया, माफ़ कर दिया, चल तेरे को, चल तेरे लिए कुछ दुआ भी मांग ली, आप कह रहे हैं बता तेरे को क्या चाहिए। इसको कहते हैं वाई वाई दिस इज हैपनिंग, यू नो, इतना प्रेम क्यों है, दुश्मनी तो है, मेरा परिवार, हम लोग परिवार के लिए कितने सेंटिमेंटल रहते हैं, मेरा परिवार, मेरे परिवार वालों को ही तो मार दिया, और कह रहे हैं कि तुम्हें चाहिए क्या, क्यों? उसका कारण है क्योंकि तुम भगवान कमलनाभ के भक्ति में निरंतर लगे रहते हो। तो ये होना चाहिए हमारे रिश्तों का आधार। कितनी शुद्ध भक्ति कोई व्यक्ति करता है वही हमारा अपना है वास्तव, लेकिन हम अपना बना लेते हैं किससे, हमारी फ्रेंडशिप है। और फ्रेंडशिप किसी आधार पर है, वो फ्रेंडशिप अक्सर किस आधार पर है, जिसकी बुराई तुमने करी वही मेरा भी दुश्मन है, इसलिए तुम्हारा और मेरा दुश्मन कॉमन है। आपने कहा था कॉमन लिंक ढूंढो, हमने ढूंढ लिया, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, हम दोनों को वो एक व्यक्ति, वो एक लेडी पसंद नहीं है, चुड़ैल कहेंगी, अक्सर ऐसा हो जाता है ना, जिसकी बुराई उसने करी, अगर हमें भी वही व्यक्ति दुखी है तो हम उसको तुरंत दोस्त बना लें, लेकिन कॉमन लिंक कुछ और ढूंढना था, कॉमन लिंक ने देखना था कि हम सभी के अंदर वो जीवात्मा है जो उस भगवान का अंश है। जो व्यक्ति इस प्रकार देख पाता है उस व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर भी ये विज़न पैदा कर पाएगा कि यहाँ पर हम केवल उस भगवान को संतुष्ट करने के लिए हैं और कोई कारण नहीं है, किसी मित्र को संतुष्ट नहीं करना है। जो जो व्यक्ति इस काम में लगे हैं वो हमारे सब मित्र हैं, और ये डायनामिक है, ये बदलता भी रहता है, हमें धीरे धीरे समझ में आता है, नहीं इस व्यक्ति के अंदर तो बहुत समस्याएं हैं, ये तो एक नंबर का फॉल्ट फाइंडर है, ये तो ये करता है, तो ये हमारा दोस्त कैसे हो सकता है, इसका मतलब हमारी दोस्ती यारी परिवार उस कॉमन लिंक के आधार पर बन रहा है, वो इस कृष्णा। यहाँ पर देखिए साधारण दृष्टि से आप ऐसे व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाओगे जिसने आपके साथ या आपके परिवार के साथ ऐसा किया हो। यहाँ पर वो दोस्त ही नहीं बना रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या आशीर्वाद चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, सब कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हें उस भगवान की भक्ति प्राप्त है, तुमसे गलती हुई कोई बात नहीं, गलती हुई तो हुई है ना, उस गलती को इग्नोर ही कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम भगवान की भक्ति निरंतर भक्ति करते रहते हो, फिर ये नहीं क्वेश्चन कर रहे अरे भाई कैसे भक्त हो तुम लोग हरे कृष्णा वाले, हाँ हमने तुम्हें देखा था कि तुम वहाँ पर ऐसा कर रहे थे, बड़े बनते हो भक्त, ये एनवी है सांसारिक, संसार की एनवी कई बार निकल जाती है इस तरीके से। भक्त लोगों से गलतियाँ हो सकती हैं, वो भी इंसान है, दे आर ट्राइंग,
हम प्योर होने का प्रयास कर रहे हैं, प्योर तो नहीं है, तो इसलिए हमें उनके अंदर कमियां नहीं देखनी चाहिए क्योंकि वो तो प्रयास कर रहे हैं ना। लेकिन साधारण संसार में लोग ये कमियां ही ढूंढते हैं। तो यहाँ पर कुबेर को हम देख रहे हैं कि कुबेर ध्रुव की कमी को नहीं देख रहे हैं बल्कि ध्रुव के गुण को देख रहे हैं। वो कह सकते थे बड़े आए तुमने भगवान को बचपन में प्राप्त कर लिया, बड़ा नाम सुना था तुम्हारा, यही है भक्ति तुम्हारी, एक आदमी ने तुम्हारे भाई को मारा, तुमने सारे यक्षों को मार दिया, बड़े आए यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से अब। ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं वो सारे उस पर पर्दा डाल रहे हैं, एक तरह से उसकी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, उसको कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, डोंट वरी ओके एवरीथिंग इज ओके, कोई बात नहीं, होता है होता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो। अच्छा ये बताओ क्या चाहते हो, बताओ, ये तो बच्चे को बोलते हैं ना, छोड़ो ये सब, क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ। हाँ तो दिस इज डीपनेस ऑफ अ करेक्टर, हम किसी को कभी अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाहते। हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि किसी को ऐसी कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे वो अनकम्फर्टेबल हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से कर रहे हैं। मैत्रेय आगे बोलते हैं, मैत्रेय उवाच सराज राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामति हरौ सा वव्रे अचित अचलितां स्मृति मया तरत्ययत्नेन दुरत्ययम् तमः। हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना करी कि श्री भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि संसार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है यद्यपि वह अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। क्या मुश्किल है संसार में, अज्ञान के सागर को पार करना। ये अज्ञानता क्या है, सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि आई एम दिस बॉडी, आई एम मिस्टर और मिसेस दिस एंड दैट, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। कितना भी हम पढ़ लें लेकिन ये अंदर इतनी रमी पड़ी है कि ये निकलती नहीं है, है ना। हम जानते तो हैं हम सब लोग, हाँ हम आत्मा हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन वो अंदर इतना घुसा हुआ है, एब्जॉर्ब्ड है, स्पॉन्ज की तरह उसको चूस लिया है हमने कि वो अंदर से निकलती नहीं। इसलिए इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उस भगवान के लिए अखंड श्रद्धा और स्मृति बनानी पड़ेगी। अखंड श्रद्धा, अखंड ज्योत जलाने से काम नहीं चलेगा, अखंड श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। अखंड श्रद्धा क्या होती है, जैसे श्रद्धा जो श्रद्धा खंडित ना हो, जो ऐसा ना हो कि आज मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, खुश तो बहुत हो गए तुम, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। मैंने देखा है प्रभु जी संसार में जो दुष्ट होते हैं वो पनप रहे हैं और जो साधु हैं वो मर रहे हैं, मैं भी साधु हूँ, मैं भी मर रहा हूँ, इत्यादि खंडित हो जाती है हमारी श्रद्धा कई बार। हाँ तो क्या है, उनके प्रति अखंड श्रद्धा पैदा हो ऐसा वर मांग रहे हैं कुबेर से। बताइए कुबेर क्या दे सकता है, आप सोच रहे हो कुबेर, आप लोग क्या मांगना चाहोगे कुबेर से। सोने का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कुछ कुछ सोना तो दे ही सकता है, कुबेर के लिए क्या कमी है बताइए, कमान क्या नहीं दे सकता हो, कुछ थोड़ा बहुत सोना ही दे दे, 10-15 किलो 20 किलो कुछ सोना मिल जाए, रख लेंगे कहीं छोटा मोटा, कहीं बेड के नीचे लॉकर में, पैसा तो बढ़ ही रहा है, कुबेर क्या नहीं दे सकता है। और कुबेर से क्या मांग रहे हैं बताइए, कुबेर से मांग रहे हैं उस भगवान की अखंड भक्ति, अखंड श्रद्धा स्मृति बनी रहे ऐसा वरदान दे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने स्मृति को भूल गया था तो मेरे से ये कुकर्म हो गया, उसका कुछ रिएक्शन मिलता है ना। यही प्रॉब्लम है, हम समझते नहीं हैं हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं कि हमसे पाप कर्म हो जाते हैं। पाप कर्म कब होते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भक्तों को भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, तो पाप हो जाता है। हाँ तो इसलिए पाप होंगे तो दुख होगा, चाहे हमारे पास पैसा होगा, लेकिन यदि पाप करा होगा तो फिर भी दुख होगा, दुख जीवन में आएगा, उसका रिएक्शन आएगा। इसलिए व्हाट वी वांट फॉर आवर सेल्स एंड आवर चिल्ड्रन, हम सब के लिए, हमें भगवान की स्मृति हमेशा बनी रहे, उससे पाप कर्म कभी नहीं होगा, उससे दुख जीवन में कभी आएगा ही नहीं, इसकी गारंटी है। इसलिए वो यही मांग रहे हैं ध्रुव, बड़ा बुद्धिमान, इसलिए कह रहे हैं बुद्धिमान विचारवान विद्वान देखिए क्या क्या वर्ड उसकी है, परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान विचारवान, क्या मांगा कि भगवान की स्मृति बनी रहे। ये है वास्तविक जो हम भगवान से मांग सकते हैं, कृष्णेर मतिरस्तु जो हम कहते हैं, ये ऐसी हमारी मति बने जो कृष्ण में ही लगी रहे, तो जीवन सफल रहेगा और जीवन आनंदमय रहेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।